अनमज फातिमा है और मेरी भावलपुर बोर्ड प्री इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन है और मेरे 1035 मार्क्स हैं और मैंने किप्स रहमिया खान कैंपस से तैयारी की थी। क्योंकि किप्स बहुत अच्छा इदारा है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं और यहाँ का टेस्ट सेशन बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारे शहर में मतलब सबसे अच्छी जो अकेडमी है ना वो किप्स की ही है। टाइम मैनेजमेंट हमें यहाँ पे किप्स में सिखाते हैं और टीचर कॉर्पोरेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है, टीचर्स हमारे बहुत कॉपरेटिव हैं और हमें जब भी उनसे कुछ पूछें या कोई क्वेश्चन हो या कोई हमें मसला हो तो हमें ज़रूर बहुत अच्छे वे में हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन हमें सिखाते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान का इस तरह का है सिस्टम कि हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करें तो हमारे रिजल्ट्स में हमारे मार्क्स में फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे किप्स में वो भी बहुत अच्छी तरह सिखाई जाती है। सबसे पहले तो अल्लाह का फजल व करम है और मेरे वालदैन की दुआएं हैं और किप्स ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं, मेरी कामयाबी में किप्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना जो डिपेंड करती है हमारी कामयाबी वो हम पे करती है, हमारी विल पावर पे, क्योंकि जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि घोड़े को हम पानी के होश तक लेकर जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते, इसी तरह जो हमें टीचर पढ़ाते हैं वो एब्जॉर्ब करना स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है और विल पावर पर डिपेंड करता है। बाकी किप्स का बहुत अहम किरदार था, किप्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। आइंस्टाइन मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं बिकॉज उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थेरीज दी हैं और पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम उनको डीपली स्टडी करना चाहें तो। जी ज़रूर मैं अपने बहन भाइयों को दूंगी मशवरा, बल्कि मेरा भाई अभी यहाँ पढ़ भी रहा है। सबसे पहले तो किप्स का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत अच्छा वो है ना सिस्टम, यहाँ पे काउंसलर का एक ऑफिस होता है, अंदर काउंसलर है, आपको कोई भी मसला है आप उनके पास जाएं वो आपका ज़रूर मसला सॉल्व करेंगे। दूसरा यहाँ की टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स उनसे जितनी मर्जी दफ़ा करें वो कभी कुछ नहीं कहते बल्कि बिल्कुल अच्छी तरह उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरा इसमें जो टेस्ट डिस्कशन का है ना, टेस्ट हमारे होते हैं उसके बाद डिस्कस करवाते हैं टीचर्स, उसके अंदर वो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं और हमें उसी वक्त उसका सारा सोल्यूशन भी बताते हैं ताकि हमें बाद में मसला ना हो, बोर्ड में हमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें से कोई आ जाए। मोस्टली सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि फिज़िक्स जिसको बहुत मुश्किल समझते हैं और मैथ्स भी, और इसके अलावा जिनसे सब्जेक्ट हैं मोस्टली यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों के, और फिर जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था विल पावर बंदे में होनी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर सारा कुछ एंड में आप पर डिपेंड करता है और अल्लाह पर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स अल्लाह एंड में अल्लाह इज़ मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। सिस्टम इट सेल्फ प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज द टेस्ट हेयर आर वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे इतने मुश्किल टेस्ट होते हैं और उनके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो वो हमारे टेस्ट होते हैं लाहौर से, तो यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं उनको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होता कि वो क्या आएंगे, तो जिस तरह मोस्टली कॉलेज में होता है टीचर्स हमें छुड़वा देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये नहीं आना, और बोर्ड में भी वो हमें कहते हैं कि ये नहीं आएगा आप लोग छोड़ दें, वैसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पढ़ना पड़ता है और बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इसका सिस्टम बेस्ट है। KIPS Evening Coaching. Journey to Brilliance begins here.